हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसीए ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर थर्ड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। तो हमें इसको सॉल्व करना है, देखिए कि 45 से डिविजिबल है या नहीं है गिवन। तो देखिए, इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चंस किए थे इसी टाइप के, तो 45 से चेक करना है। दैट फैक्टर ऑफ 45 करेंगे हम सबसे पहले। फैक्टर्स ऑफ 45, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें आता है ये 45 के फैक्टर करना। 45 2 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास देखिए डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने डिस्कस किया था, आपको पता होना चाहिए, उनको याद कीजिए आप। 2 से डिविजिबिलिटी रूल, 3, 4, 5, 6, 8, 9 जो भी लिखा है, तो आपको सभी को आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, लास्ट में हमारे पास 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 1, 5, 15 3 से डिवाइड 5 times, 5 से डिवाइड 1 time। तो फैक्टर्स ऑफ 45 के फैक्टर हमारे पास, हम इसको राइट कर सकते हैं 3 3 9 9 5 डायरेक्ट 9 into 5। 45 को हमने ब्रेक करके लिखा 9 into 5। इट मीन्स इसमें 9 का रूल भी अप्लाई होगा, डिविजिबिलिटी रूल, एंड 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल, दोनों का अप्लाई होगा। अगर दोनों केसेस में यस है तो गिवन नंबर 45 से डिवाइड है। ठीक है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास 9 के रूल क्या होते हैं, जो गिवन नंबर है हमारे पास 25110 गिवन नंबर से हमारे पास, उसके जो डिजिट है उनका सम करेंगे हम 2 + 5 + 1 + 1 + 0। सम करने पर देखिए 7 + 1 = 8, 9 आया। सम करने पर जो नंबर आता है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। तो सम करने पर देखिए 9 आया, 9 इज डिविजिबल बाय 9, 8 इट इज डिविजिबल बाय 9, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो देखिए 9 से तो डिविजिबल है, अब 5 से चेक करते हैं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे हम। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, गिवन नंबर में लास्ट में हमारे पास 0 या 5 हो तो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए 25110 में लास्ट नंबर हमारे पास 0 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। अब देखिए 9 से भी डिविजिबल है गिवन नंबर और 5 से, और 45 की जो फैक्टर है 9 और 5 थे, दोनों से यस है। इट मींस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45। So, 25110 is divisible by 45. अगर दोनों में से एक भी अगर नो केस आता, यहाँ तो देखो 9 से भी डिविजिबल होता है, यस दोनों केस में यस आए, अगर दोनों में से अगर एक भी नो होता, डिविजिबल नहीं होता, तो ये 45 से डिविजिबल नहीं होता। तो दोनों केसेस में गिवन नंबर के फैक्टर करते हैं, तो दोनों केसेस में यस होना चाहिए, तो ही वो गिवन नंबर हमारे पास उससे डिविजिबल होगा गिवन नंबर से, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस केस में देखो 9 और 5 दोनों में यस आया था, दोनों से ये डिविजिबल है, दोनों के अपने डिविजिबिलिटी रूल से शॉर्ट से हमने सिंप्लीफाई किया इसको, तो 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले हमने देखिए डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1, जिसके खाली 2 ही फैक्टर हो, ये तो गिवन नंबर और एक 1। तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग हमारे पास देखिए 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5,
सेवन इलेवन थर्टीन एंड सो ऑन चलता रहेगा इसी प्राइम नंबर। अभी बोल रहे आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर। अब देखिए स्मॉलेस्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर्स है वो कौन कौन से, फोर वन टू थ्री फाइव सेवन, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो जो गिवन नंबर है उसके जो फैक्टर है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इट मीन्स टू थ्री फाइव सेवन, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन, ये स्मॉलेस्ट हमारे पास प्राइम नंबर है, उसके गिवन नंबर के फैक्टर है। इट मीन्स जो गिवन ये हमारे पास प्राइम नंबर है अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास गिवन नंबर फाइंड कर सकते हैं हम इसको। तो टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, सिक्स फाइव थर्टी, थर्टी इंटू सेवन टू हंड्रेड टेन। तो गिवन नंबर कौन सा होगा स्मॉलेस्ट, टू हंड्रेड टेन, जिसके फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर है टू थ्री फाइव सेवन। देखिए 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये नंबर आएंगे वहाँ पर टू थ्री फाइव सेवन, ठीक है।